हेलो दोस्तों, एंड्रोरिना में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल्स और टाइटल से मालूम हो गया होगा कि आज हम कैसेजबिक पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें ग्रेडियंट टूल्स को यूज़ करेंगे। तो देखना यह कि कैसे ग्रेडियंट टूल को यूज़ किया जाता है कैसेजबिक में और कैसे आप लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे। सिंपली हम यहाँ पर एक लॉगिन का एक प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं और लॉगिन पर क्लिक करके हम सिंपली कैसेजबिक में इंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट टूल्स है, बेसिकली जो आपका बैकग्राउंड्स होता है उसके लिए होता है। तो अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसका टाइटल है इसको अनविजिबल कर लेते हैं। इसके बाद आपको मिल जाएगा UIE में, यहाँ पर मिल जाता है ग्रेडियंट। सिंपली आपको यहाँ पर ड्रैग कर लेना है। तो यहाँ पे इसका जो देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मिल रही है और ये एक इनविजिबल कंपोनेंट है। और पहली बात कि ये आपका बैकग्राउंड पे काम नहीं करेगा, आप किसी अरेंजमेंट में इसको अप्लाई कर सकते हैं या किसी बटन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको फिल पेरेंट कर लेते हैं। अब जो भी ग्रेडियंट है इसको अप्लाई करेंगे इस पर। तो अप्लाई कैसे होगा, आपको कोडिंग में जाना होगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले स्क्रीन ले लेना होगा, एनालाइज हो तो आपको ग्रेडियंट्स जो होगा उसको कॉल कराना होगा। तो यहाँ से दो ऑप्शन मिलता है, एक बटन के लिए और लेआउट के लिए। तो सिंपली हम लेआउट है उस पर हम काम करेंगे और बटन वाले को हम बाद में देखेंगे। तो सिंपली हम लेआउट को यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले आप पूछा है कि लेआउट कौन से लेआउट में डालना चाहते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर टेबल अरेंजमेंट हम ले चुके हैं, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि टेबल में ठीक नहीं लगेगा। तो हम यहाँ से इसको वर्टिकल अरेंजमेंट लेना चाहिए था, तो यहाँ से गलती हो गई। यहाँ से हम वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं और इसको फिल से हम फिल पेरेंट कर लेते हैं, फिल पेरेंट और यहाँ से फिल पेरेंट। इसके बाद आपको फिर से जाना होगा ब्लॉक्स में और यहाँ से हम इसको बिजी कर लेते हैं कि यानी ये बैकग्राउंड मेरा रहेगा ताकि आपके रिमेंबर के लिए सही रहे। तो यहाँ से आप बिजी जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके नीचे आपका मिल जाएगा बीजी, क्योंकि हम नेम चेंज किए इसलिए यहाँ से बीजी आ रहा है। आप लेंगे तो यहाँ से आपका वर्टिकल अरेंजमेंट आएगा। यहाँ उसके बाद दे रहा लिस्ट ऑफ कलर्स। सिंपली आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी होगी, तो हम एक लिस्ट बनाएंगे और यहाँ से हम कलर पैलेट में से जाके हम दो कलर लेंगे। चूँकि ग्रेडियंट में आपका दो ही कलर रहता है तो यहाँ से हम रैंडमली कोई भी कलर चूज़ कर लेते हैं। बाद में हम इसमें चेंजेस करके आपको दिखाएंगे क्या क्या इसके चेंजेस और क्या क्या इसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ओरिएंटेशन आप फोटोशॉप में देखे होंगे कि जब आप इसको यूज़ करते होंगे किसी भी फ़ोटो पे, तो आपको दो या तीन तरीके से आप इसको ले सकते हैं। एक होता है रेक्टेंगल होता है, एक सर्किल से होता है, एक लेफ्ट से होता है, एक राइट से होता है, एक ऊपर से होता है, एक नीचे से होता है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ओरिएंटेशन में। तो हम अभी आगे आपको बताएंगे कैसे इसको चेंज करना है। तो सिंपली हम यहाँ से ज़ीरो ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको जो कंपेनियन है इसका हम रन करते हैं अपने मोबाइल में ताकि इसका जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिले। क्योंकि जब यहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो भी आपका इफेक्ट होगा वो आपके कंपेनियन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम कंपेनियन को यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं और साथ में उसको भी देखते रहेंगे। तो यहाँ से हम कंपेनियन को ओपन कर लेते हैं और अपने मोबाइल में रन करते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्कैन करेंगे जो इसका कोड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं इसको। सिंपली आपको कुछ ही सेकंड में आपका स्कैन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो कंपेनियन है वो रन हो गया है और यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे इसकी इंडो आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसका ग्रेडियंट किस तरीके से दिख रहा है, लेकिन आप जहाँ पे आप एडिटिंग करेंगे वहाँ पे इस तरह का आपको ग्रेडियंट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप इस ग्रेडियंट को अपोजिट में करना चाहते हैं तो सिंपली आप कलर को यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, जो लेफ्ट जो नीचे से उसको ऊपर कर लीजिएगा। और सिंपली हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम एक वन की प्रेस करके इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जा रहा है और हम देख सकते हैं कलर जो है ऊपर आ चुका है। और ऊपर का जो स्टेटस कलर, इसको चेंज करने के लिए आपको जाना होगा स्टेटस कलर में और यहाँ से ब्लू ले लेंगे तो आपका जो स्टेटस कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कलर को यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे कलर को यहाँ पर लेना चाहते हैं तो सिंपली उस कलर पर टिक करिएगा तो यहाँ से कलर पैलेट ओपन हो जाता है और उस कलर को चूज़ कर लीजिएगा जो आपकी नीड है। तो देख सकते हैं कि इस तरह का ग्रेडियंट आपकी एप्लीकेशन की विंडो पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये विंडो पे अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि लेआउट है उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर आप इसकी मेन जो स्क्रीन है उस पर अगर आप चाहें कि इसको अप्लाई करें तो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा ग्रेडियंट बैकग्राउंड बना सकते हैं और अपना जो एप्लीकेशन होगा उसको प्रोफेशनल रूप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं वो कलर चूज़ कर सकते हैं और आसानी से अपना जो भी ग्रेडियंट पैनल है उसको आप अरेंजमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ से हम रेंडमली कोई ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में, कि इसके प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम इसके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करना है। तो सिंपली जब आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो प्रॉपर्टीज़ मिलती है, सबसे पहले आपको ऊपर जो मिल जा रहा है इसका रेडियस दे रहा है, तो रेडियस जब आप बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कॉर्नर होगा वो कॉर्नर थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा। तो जब आप इसको ज़्यादा करेंगे तब आपका देखेंगे कि जो आप लेआउट लिए थे अरेंजमेंट, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसका जो है 75 करके आपको दिखा रहा हूँ, कि ऊपर आप देख सकते हैं जो, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है मैं जो लिया था वर्टिकल अरेंजमेंट, वो आपका कॉर्नर पे थोड़ा सा राउंडेड हो चुका है। इसी तरह नीचे आपको मिल जाता है शेप, शेप पे जब आप वन की प्रेस करेंगे तो ये आपका राउंडेड बन जाएगा। तो इस तरह के कोई अगर आप शेप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको राउंडेड शेप में भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग नंबर दे के आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस कौन कौन सी स्टाइल मिल रही है। तो फिलहाल मैं सब चेक करके ज़ीरो पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है टाइप। टाइप में जब वन की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे टाइप मिल जा रहा है। टू की प्रेस करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह आप आगे नंबर प्रेस कर करके देख सकते हैं क्या का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक कि आपको ज़ीरो पे आना पड़ेगा, ज़ीरो पे ही पे आपका परफेक्ट इसका लुक देखने को मिलता है। इसके बाद इसके कोडिंग की बात करते हैं, इसके ब्लॉक्स की बात करते हैं कि ब्लॉक्स में क्या आपको जो ओरिएंटेशन इसमें जब चेंजेस करेंगे, ज़ीरो को हम वन करेंगे और इसके डिज़ाइनर में जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए अबाउट स्क्रीन में आपको वन या टू की प्रेस करके इंटर की प्रेस करना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो कॉर्नर टू कॉर्नर हो चुका है। इसी तरह आप थ्री जब उसमें डाल के ओरिएंटेशन में आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर का जो रेंज एरिया है वो चेंज होता है, यानी कॉर्नर से आपका मिडल में आता है, मिडल से आपका राइट में चला जाएगा, राइट से लेफ्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कहाँ पे इसको रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम फोर करके देखते हैं कि फोर पे कहाँ पे इसका इफेक्ट जाता है। तो फोर पे आप देख सकते हैं कि ये आपका लेफ्ट से राइट हो गया है। तो आई सजेस्ट कि आप इसको ज़ीरो पे रहने देंगे, ज़ीरो पे आपका जो होता है वर्टिकल के लिए सही होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे फोर और फाइव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ज़ीरो पे रहने दे सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ नंबर को और चेंज करके देख सकते हैं एट करके कि एट पे क्या आता है। तो यहाँ से फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं एप्लीकेशन को, तो यहाँ देख सकते हैं कि एट पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको, जैसे आपकी ज़रूरत हो, जिस तरीके का आपको एप्लीकेशन बनाना हो, जो आपको सही लग रहा हो, उस हिसाब से यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसके स्टेटस बार को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं उसमें, तो आप यहाँ पे जाके उसको डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ जैसा आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ से आप कस्टम में जाके इसके कलर को आप डीप या लाइट कर सकते हैं, या उसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी आप चाहें तो कम बढ़ती कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको जिस तरीके से आप मैनिपुलेट करना चाहें उसको कर सकते हैं। अपना यूआई जैसे ही आप रखना चाहते हैं उस तरीके से आप रख सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली एक लेके इसको डन करते हैं और आगे इस पर जो काम करना है उस पर करते हैं, ताकि बाद में हम और भी चीज़ें इसमें छूट जाएंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको आप जितना चेंज करेंगे, जितना इसको आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। जितनी टाइम देंगे आप अच्छी डिज़ाइन करने के लिए, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो सिंपली हम यहाँ से एक वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर एक दूसरा वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है स्पेसर, स्पेसर की मदद से आप इसकी जो हाइट है इसको बढ़ा के आप जो भी है इसका लेआउट है इसको नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे अभी इसका जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसका लेआउट नहीं दिखेगा, जब इसका कलर आप चेंज करेंगे, वाइट करेंगे, तब यहाँ पर आपको शो करेगा। अब इसकी साइज़ को आपको चेंज करना है और अपने हिसाब से इसकी लॉगिन विंडो बना रहे हैं या साइनअप विंडो बना रहे हैं उस हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से हम इसके कुछ जो फिल पैरेंट है या अरेंजमेंट है अपने हिसाब से दे देते हैं। तो यहाँ से हम 75 दे देते हैं और हाइट भी उसी हिसाब से आप दे सकते हैं कि किस हिसाब से आपकी विंडो चाहिए, उसमें क्या क्या ऑप्शन देते हैं, नेम देते हैं, आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से इसकी साइज़ को रख सकते हैं। तो यहाँ से आप जितनी टाइम इसमें देंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बार बार कर रहा हूँ कि अपने हिसाब से आप इसकी साइज़ रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करके आप, उसके बाद स्पेसर पे क्लिक करके हम इसकी थोड़ा सा साइज़ को और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा कम करेंगे स्पेसर तो जो ये अरेंजमेंट है थोड़ा सा ऊपर जाएगा।
तो यहाँ से हम साइन इन और साइन अप के दो बटन ले लेते हैं। तो उसके लिए आपको ऊपर से हॉरिजेंटल जो अरेंजमेंट है उसको ले लेना होगा, क्योंकि वर्टिकल अरेंजमेंट है और बटन जो होगी हॉरिजेंटल में आपकी फ़िट होगी। तो यहाँ मैं इसकी विथ जो है फिल पेरेंट कर लेता हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा हम इसके आगे पीछे कुछ ऐसा टेस्ट या ही नहीं देना है, तो हम फिल पेरेंट कर लेते हैं। फिल पेरेंट में हम आसानी से इसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम बटन को ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल अरेंजमेंट में। तो यहाँ से हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से हम बटन को यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम दो बटन को डाल देते हैं, वो कि एक साइन इन की होगी और एक साइन अप की होगी। इसके बाद इस बटन में आप जो चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कलर या इसका बोल्ड इटैलिक जो इस तो वो सब दे सकते हैं। और साथ ही में इस बटन पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ताकि ऊपर का जो आपका अरेंजमेंट है उससे थोड़ा सा दूरी बन जाए। ऊपर से जो आपका अरेंजमेंट है उससे थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए जो हम स्पेस दिए उसकी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं साइज़। और नीचे की जो बटन है इसकी बटन पे आप साइन इन या साइन अप लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख देते हैं साइन इन। और इसी तरह हम दूसरी बटन पर भी लिख देते हैं साइन अप। यहाँ पे दोनों बटन तैयार हो गई। अब इस बटन को आप राउंडेड करना चाहते हैं कि किस तरीके रखना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। उसके बाद आप इसके कलर को या इसके फॉन्ट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ये सब इजी वे है, तो यहाँ से हम आसानी से हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका लुक देखने को मिल जा रहा है सारी एडिटिंग करने के बाद। अब इसके बाद जो आपका ऊपर अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में आप किस तरीके की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आईडी रखना चाहते हैं तो आईडी रख सकते हैं, पासवर्ड रखना चाहते हैं तो पासवर्ड रख सकते हैं। तो अगर मैं वीडियो डिटेल से बनाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो डिटेल से चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँ ताकि जो न्यू है उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, और अगर आप जान रहे तो अच्छी बात है। मेरा जो फोकस होता है न्यू यूज़र के लिए होता है, जो अभी शुरू करना चाहते हैं इस पे काम उनके लिए होता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि वीडियो आपको क्विक चाहिए, तेज चाहिए, या कि सारी डिटेल्स के साथ वीडियोस चाहिए। तो आगे हम आने वाले वीडियोस में इस पे भी बात करेंगे कैसे आप इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसी तरीके से आप अगर कोई इसमें लोगो या ही लगाना चाहते हैं तो ऊपर आपको एक इमेज ले लेना होगा। इमेज लेने के बाद उसमें कोई इमेज आपको इंसर्ट कर लेना होगा, और इस तरीके से आपकी फाइनल डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके बनाया हूँ। अगर पूरी वीडियोस बनाता पूरी डिज़ाइनिंग की तो वीडियो बहुत लंबी थी, आई थिंक कि 20 मिनट से ऊपर थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।